हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, और इनमें से कौन सा बेटर है आपके फ्यूचर के लिए। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा दोस्तों, और इसमें आपको जानने को मिलेगा कि प्रो एंड कॉन्स दोनों जॉब्स में क्या है। गवर्नमेंट जॉब्स में क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, और प्राइवेट जॉब में क्या प्रो है, क्या कॉन्स है, और कौन सा आपके लिए अच्छा है। और ये वीडियो खास तौर से उन लड़कों के लिए है जो कि अभी कॉलेज से जस्ट पास आउट हो रहे हैं या अभी बस करियर की शुरुआत किए हैं, तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए। तो उनके लिए खास तौर से ये वीडियो बना है, तो प्लीज पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के बारे में जान लेते हैं। देखिए, डेफिनेशन यहाँ देना मैं जरूरी नहीं समझता, क्योंकि सबको पता है गवर्नमेंट जॉब क्या है। ठीक है, आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए या जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप काम करते हैं और उसमें आपका चयन होता है, तो वो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, या फिर जिसको हम या फिर बोले फेडरल जॉब्स होती हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट जॉब के बारे में तो सभी लोगों को पता है, अब इनके प्रोस जान लेते हैं और कॉन्स जान लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा मुझे जो प्रो लगता है या एडवांटेज जो लगता है गवर्नमेंट जॉब में, वो सब जानते हैं, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी जो है बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब में। अच्छी चीज ये होती है गवर्नमेंट जॉब में कि आपको अगर एक बार जॉब लग गई तो फिर उसके बाद आपको निकाल कोई नहीं सकता जॉब से। ठीक है, द ओनली थिंग दैट कैन हैपन कि आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपको कोई जॉब से नहीं निकाल सकता। तो एक बहुत बड़ी जॉब सिक्योरिटी होती है, जिसके कारण जो है आगे आपका भविष्य जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा बनता चला जाता है। देन सेकंड जो प्रो है जो गवर्नमेंट जॉब में आपको मिलती है, एडवांटेज मिलता है, वो है पर्क्स। गवर्नमेंट जॉब में बहुत प्रकार के पर्क्स देखने को मिल जाते हैं। अगर से आप बहुत अच्छे पद पे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, किसी अच्छे पोस्ट में हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे पर्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, इवन यू टॉक अबाउट आर्मी में भी अगर देखें, अगर ऑफिसर रैंक में हैं तो आपको बहुत अच्छे अच्छे पर्क्स मिल जाते हैं। देन उसके बाद पेंशन आता है। पेंशन अभी जो है काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बंद हो गया है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी है। फॉर एग्जांपल आई थिंक आर्मी या डिफेंस डिफेंस फोर्सेस में अभी भी पेंशन एप्लीकेबल है। तो पेंशन भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था पहले, अभी भी थोड़ा बहुत है। देन अगला आता है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस आपका बना रहता है, कारण ये है कि जो है टाइमिंग्स आपके प्रॉपर रहते हैं, उसके हिसाब से जो है आपका प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, और कोई जॉब जाने की कोई टेंशन होती नहीं है, तो उसके हिसाब से भी जो है मेंटली आप फ्री रहते हैं और आप अच्छे से अपना काम करते हैं। तो ये तो कुछ प्रोज हैं दोस्तों, जिनके कारण जो है गवर्नमेंट जॉब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है यंगर जनरेशन के लिए, और जो यंग जनरेशन है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं। देन अगला कॉन्स देख लेते हैं। देखिए, जहां एडवांटेज होता है वहां डिसएडवांटेज भी होता है। अब जो कॉन्स हैं वो है लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी जो चीज आप देखेंगे वो है प्रोफेशनलिज्म का लैक होना। अब चाहे आप एसबीआई चले जाएं, चाहे सेंट्रल बैंक चले जाएं, तो वहां पे जो काम होता है ना बहुत लेथार्जिक तरीके से होता है, तो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म तो आपको देखने को मिलेगा, वो चीज जरूर है जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट काम कर सकती है। देन सेकंड है फ्यूर अपॉर्चुनिटीज। अब फ्यूर अपॉर्चुनिटीज कॉन्स में इसलिए आ जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब दिन प्रतिदिन जो है कम होती चली जा रही है, और इसमें एक जॉब के लिए करोड़ों बच्चे बैठते हैं। कहने का मतलब, एक एप्लीकेशन अगर आती है तो उसमें करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं, और उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो जो बहुत ही शिद्दत से बहुत ही मेहनत से तैयारी करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बाकियों का नहीं होता है। देन उसके बाद जो अगला आता है वो है एवरेज जॉब ग्रोथ। जो आपको प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब ग्रोथ बहुत जल्दी मिलती है। ठीक है, डेजिग्नेशन भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी से मिलता है, और जॉब ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल जाती है। वहीं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में देखेंगे तो एवरेज जॉब ग्रोथ रहती है, जॉब ग्रोथ जो है बहुत धीरे से जो है आगे आप बढ़ेंगे। तो ये तो प्रो एंड कॉन्स थे दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के। चलिए अब आगे चल के जो है प्राइवेट जॉब के भी बारे में भी जान लेते हैं। अब प्राइवेट जॉब के प्रो एंड कॉन्स जो है यहाँ पे लिस्टेड हैं दोस्तों। अब प्राइवेट जॉब के बारे में क्या बताना, आप लोगों को भी पता है प्राइवेट जॉब क्या होती है, जो कि पब्लिक क्या बोलते हैं, जो भी प्राइवेट कंपनियों में जॉब करेंगे जिनका वो जो है प्राइवेट जॉब कहलाती है बेसिकली। तो
और प्राइवेट जॉब में जो है जितनी मल्टीनेशनल कंपनी है, जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं, ये सारे सारे जो है प्राइवेट जॉब्स होते हैं। और इनमें सबसे बड़ी जो प्रो है जो आती है प्राइवेट जॉब्स में, वो है हायर सैलरी। आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। अगर आप आईटी कंपनी में चलेगा तो फिर तो आपको वारे नारे हो जाते हैं, ठीक है। तो हायर सैलरी है, देन प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है। हर काम जो है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। आपको हर एक आईटी कंपनी में जो है आपको प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल जाएगा। चाहे आप प्राइवेट बैंक्स में भी चले जाएं तो प्राइवेट बैंक्स में भी आपको प्रोफेशनलिज्म देखने को मिल जाएगा। अगर आप जाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से जो है आपका केयर करते हैं, एज अ कस्टमर आपका ख्याल रखते हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट बैंक्स में देखने को नहीं मिलता है। देन हायर अपॉर्चुनिटीज, अगर आप कंपेरिजन करें कि गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में, तो प्राइवेट जॉब में जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हायर है एज कंपेरिजन टू गवर्नमेंट जॉब। एंड गुड जॉब ग्रोथ, जॉब ग्रोथ भी बहुत अच्छी खासी है। अगर आप अपने आपको जो है अपने काम को साबित कर लेते हैं तो जॉब ग्रोथ भी अच्छी खासी मिल जाती है, ठीक है। एंड अब आते हैं हम लोग कॉन्स में, कौन क्या क्या है। कौन है सबसे पहले, नो जॉब सिक्योरिटी। ये सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो है नो जॉब सिक्योरिटी। नो जॉब सिक्योरिटी आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत सारी कंपनियां जो है अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है। अमेजन ने 10,000 लोगों को निकाल दिया, कॉग्निजन ने 20,000 लोगों को निकाल दिया, अभी 10,000 और निकालने वाले हैं, ठीक है। ट्विटर जब इलॉन मस्क आया, कंपनी को टेक ओवर किया, तब इलॉन मस्क ने बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा हो रही है प्राइवेट जॉब में, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क पे अगर आप काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड फॉर यू। तो सबसे बड़ा कौन जो है जॉब सिक्योरिटी का रहता है। देन पर्क्स इतने ज्यादा नहीं है, द ओनली थिंग दैट यू विल गेट इज योर सैलरी। अगर मैं एमएनसीज की बात करूँ, हाँ एमएनसीज में आपको पर्क्स थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टार्टअप वगैरह में अगर आप देख लें तो स्टार्टअप में बिल्कुल आपको पर्क्स नहीं मिलते। आपको केवल सैलरी मिलती है और सैलरी पे ही आपको गुजारा करना पड़ता है, एंड देन आपको जो है पूरा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। देन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है प्राइवेट जॉब्स में, और कभी भी नहीं रहा है। अगला है नो वर्क लाइफ बैलेंस। अब वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और आजकल के जमाने में तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज आप देखेंगे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होने के कारण इतने सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। और तो वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है, और जो आपको प्राइवेट जॉब्स में नहीं मिलता है वो आपको जो है हाँ सरकारी नौकरी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये था तो प्रो एंड कॉन्स जो है आपके प्राइवेट जॉब्स के दोस्तों। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन सा जॉब बेटर है आपके लिए। तो यहाँ पे मैंने डेटा के हिसाब से समझाने की कोशिश की है दोस्तों। अब आगे आप खुद ही समझदार हैं, आगे आपको जो पसंद आए आप उस पे जा सकते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट और सॉरी और द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब या पब्लिक सेक्टर जिनको हम बोलते हैं, इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन आर कंट्री विथ ओवर 17.61 मिलियन इंडियंस एम्प्लॉयड। तो जो गवर्नमेंट जॉब का अगर आप डेटा देखें तो 17.61 मिलियन इंडियंस को अभी भी एम्प्लॉय करके रखी है गवर्नमेंट जॉब, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर का देखें तो केवल 12 मिलियन लोग एम्प्लॉयड है, ठीक है। हाँ डाटा बढ़ रहा है, लेकिन डाटा साथ ही जो है गवर्नमेंट जॉब का भी बढ़ रहा है। अभी भी जो है बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और सिलेक्शन होता ही है, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे आप खुद तय कर सकते हैं कि कौन सा जॉब आपके लिए बेटर है। मैंने इसीलिए जो है प्रो एंड कॉन्स दोनों जॉब्स में बताए हैं। और अगर मैं अपनी सलाह दूं तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, शांति की जिंदगी चाहिए, देन आई थिंक गवर्नमेंट जॉब इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप वो हैं जो रिस्क टेकर हैं, एंड आपको जो है कंपनी अगर जॉब से निकाल देती है तो दूसरी जॉब पकड़ने में कोई परेशानी नहीं है, और आप जो है जॉब होपिंग आराम से कर सकते हैं, एंड इफ यू आर स्टिल यंग और जॉब आप करके देखना चाहते हैं, देन आई थिंक प्राइवेट सेक्टर जॉब इज बेटर फॉर यू, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, और प्लीज कमेंट करके भी मुझे बताएं कि कैसा रहा मेरा वीडियो, आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो उसके हिसाब से मैं और भी चेंजेस करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।